नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार NIOS के DLED की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि आज की कक्षा में हम आपके कोर्स कोड 504 गणित का शिक्षण की चर्चा करेंगे, और इसमें हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विचार गोष्ठी आयोजन या सिंपोसियम आयोजन का क्या महत्व है, सिंपोसियम है क्या, उसका क्या महत्व है और उसकी लाभ और सीमाएं क्या हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यशपाल सिंह, जो कि शिक्षा विभाग MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि आज हम लोग इस पर विचार करने वाले हैं कि बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए विचार गोष्ठी अथवा सिंपोसियम की क्या उपयोगिता है। तो इस पर जाने से पहले डॉक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बच्चों को सबसे पहले बताएं कि ये रचनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या होती है, इस पर बिल्कुल संक्षेप में थोड़ा सा चर्चा कर लें, उसके बाद फिर हम आगे सिंपोसियम पर जाएंगे। जब हम पहले बात कर रहे थे क्षेत्र भ्रमण की जी, या उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे सेमिनार की, तो उसमें हम लोगों ने सृजनात्मकता के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ पे बहुत संक्षेप में आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि गणित के एक इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में अगर हम कहें तो यह है मूल्यवान प्लस नवीनता प्लस मौलिकता बराबर है सृजनात्मकता के। कोई भी वस्तु अगर मूल्यवान है, नवीन है, मौलिक है, तो वो सृजनात्मकता का उत्पाद है, वो सृजनशीलता का उदाहरण है। और ये प्रत्यक्षीकरण में बदलाव के माध्यम से, छुपे हुए तथ्य तरीकों की खोज से, और जो सामान्य रूप से संबंधित दिख रही चीज़ों में संबंध स्थापित करने से, समस्याओं के नए समाधान खोजने के माध्यम से ही व्यक्त होती है, अभिव्यक्त होती है जी। डॉक्टर साहब, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे दर्शक इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि सिंपोसियम आखिर है क्या, तो आप इस पर प्रकाश डालें कि सिंपोसियम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। जी अखिलेश जी, जहाँ तक बात शिक्षण विधि के रूप में सिंपोजियम की है, हिंदी में हम इसे विचार गोष्ठी भी कहते हैं, तो इसकी जहाँ तक बात है, जैसे हम सेमिनार और सिंपोजियम जो हैं, ये दोनों सर्वाधिक नवीन और विकसित विधियों में से हैं जी। सेमिनार विधि और सिंपोजियम विधि काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, पर दोनों में काफ़ी भिन्नताएं भी हैं। दोनों को कई बार एक समझ लिया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक हैं। सेमिनार विधि और सिंपोजियम विधि में बड़ी गहरी विभिन्नता है और दोनों ही विधियां अलग हैं। हाँ, ये अवश्य है कि ये दोनों ही बहुत विकसित विधियाँ हैं और ये सर्वाधिक नवीन विधियों में से एक हैं। ये जैसे सेमिनार विधि के बारे में मैंने आपसे कहा था, वैसे ही इस विधि के बारे में भी है कि ये उच्च शिक्षा है तो बहुत प्रभावी विधि है हायर एजुकेशन के लिए। जी जी। इसके अलावा अगर हम इसकी उत्पत्ति पर जाएं शब्द की, तो व्युत्पत्ति पर, तो ये ग्रीक शब्द है सिंपोटीन। ग्रीक शब्द सिंपोटीन है, उससे इसकी व्युत्पत्ति मानी जाती है, और उसका जो अर्थ है वो है ड्रिंकिंग टुगेदर, साथ साथ शराब पीना। एक्चुअली होता क्या था, तत्कालीन यूरोप में जब इस तरीके की किसी विचार विमर्श के लिए लोग इकट्ठा होते थे, तो वो कस्टमरी तरीके से, कल्चरल तरीके से, सांस्कृतिक रूप से, वो शराब के ऊपर इकट्ठा होने की वो प्रथा थी, परंपरा थी, तो वहाँ से इसको लिया गया है। पर शराब उसमें गौण थी, जो प्रमुख था वो था कि लोग जो है किसी विषय पर चर्चा करते थे, ओवर ए ड्रिंक, तो वो वहाँ से ये लिया गया है। तो सिंपोटीन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति है सिंपोजियम की, और ये इसका बड़ा प्राचीन प्रयोग दिखता है। हम इतिहास में जाते हैं तो प्लेटो द्वारा इसका प्रारंभिक प्रयोग दिखता है, और वो गुड डायलॉग के अर्थ में, और वो डायलॉग अच्छी बातचीत ईश्वर के साथ, ईश्वर के बारे में अच्छी बातचीत, गुड डायलॉग अबाउट द गॉड, तो वहाँ प्लेटो
के साथ समय में हमें इसका उपयोग मिलता है सिंपोजियम शब्द का। धीरे धीरे एक विधि के तौर पर यह विकसित हुआ है और फिलहाल आज की तारीख में हम कहते हैं कि ये सर्वाधिक नवीन विधि है। हालांकि इतिहास में काफ़ी पीछे प्लेटो के समय तक इसका हमको उपयोग मिलता है। अगर हम इसको एक परिभाषा के तौर पर बात करें तो विचार गोष्ठी शैक्षिक परिस्थितियों में एक औपचारिक रूप से एकत्र होने की विधि है जिसमें भाग लेने वाले सदस्य अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ये विशेषज्ञ चर्चा के लिए चयनित एक प्रकरण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ये सिंपोजियम इज ए फॉर्मल गैदरिंग इन एन एकेडमिक सिटिंग वेयर पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। दीज एक्सपर्ट्स प्रेजेंट आर डिलीवर देयर ओपिनियंस आर व्यू पॉइंट्स आने चूजन टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जी, यहाँ ये ध्यान देने की बात है, यही इस परिभाषा से ही आपको अंतर स्पष्ट हो जा रहा होगा सेमिनार और सिंपोजियम में। सेमिनार में प्रतिभागी जी होते हैं जो किसी विषय पर अपनी बात प्रस्तुत करते हैं और वो सब लोग फिर उस पर चर्चा करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन होता है। पर ये सिंपोजियम स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कशन नहीं होता। सिंपोजियम में क्या होता है कि कोई भी एक प्रकरण लिया जाता है, उस प्रकरण के विभिन्न पहलू अलग अलग बांटे जाते हैं, छांटे जाते हैं, फिर उन हर पहलू पर एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाता है और वो विशेषज्ञ जो है उस विशिष्ट पहलू का वो विशेषज्ञ होता है। अच्छा, और उस विशिष्ट पहलू पर वो अपना प्रेजेंटेशन देता है, अपनी प्रस्तुति देता है, अपनी बात रखता है। जी। तो इस तरह से जितने भी उस समस्या के पहलू हैं, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, उतने विशेषज्ञ इकट्ठा होकर के उस अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करते हैं, ये सिंपोजियम होता है। इसकी कुछ प्रमुख कुछ विशेषताएं भी होंगी। जी जी, तो इसकी कुछ पर चर्चा कर लें। जी, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जैसे सेमिनार है, विचार गोष्ठी, जी जी, उसी की तरह संगोष्ठी की तरह ये विचार गोष्ठी जो है, यानी सेमिनार की तरह ही ये सिंपोजियम भी उच्च ज्ञानात्मक और उच्च भावात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, ये प्रभावी होता है। ये एक और जो महत्वपूर्ण बात इस सेमिनार से अंतर की तुलना में अगर हम देखें तो वो है कि प्रतिभागियों की संख्या इसमें काफ़ी कम होती है। वहाँ पर आपकी संख्या 100-150 तक हो सकती है, 200 तक हो सकती है, पर यहाँ आपकी संख्या अधिकतम 8-10 होती है। अच्छा, इससे अधिक नहीं होती है। इसमें सेमिनार में प्रतिभागी जो है वो कोई भी हो सकते हैं, पर यहाँ जो प्रतिभागी हैं वो सदैव विशेषज्ञ होते हैं, उस विशिष्ट पहलू के, उस विशिष्ट डायमेंशन के, उस विशिष्ट बीमा के, जो हमारा प्रकरण है उस प्रकरण की, उस बीमा का वो विशेषज्ञ होता है जो भाग कर लेता है इसमें। एक और चीज़ है कि सेमिनार आपका 2-दिवसीय 3-दिवसीय होता है, अमूमन होता है, पर सिंपोजियम सामान्य रूप से 1-दिवसीय ही होता है। सिंपोजियम को 1 दिन से ज़्यादा सामान्य रूप से नहीं चलाया जाता, ये एक ही दिन में चलता है। इसके अलावा इस एक समानता है सेमिनार से कि जैसे सेमिनार भी एक प्रकरण पर केंद्रित होता है, वैसे ही सिंपोजियम भी एक प्रकरण पर केंद्रित होता है। एक और चीज़ जो है, वहाँ भी सेमिनार में भी प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद चर्चा होती है। जी जी। वैसे ही यहाँ भी प्रस्तुतिकरण होता है, उसके उपरांत चर्चा होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ प्रस्तुतिकरण सारे प्रतिभागी देते हैं, यहाँ प्रतिभागी ही कम होते हैं क्योंकि केवल विशेषज्ञ होते हैं, तो कम संख्या में प्रतिभागी होते, कम ही प्रस्तुतियाँ होती हैं, चर्चा के लिए थोड़ा अधिक समय यहाँ उपलब्ध हो सकता है। दूसरी चीज जो इसमें विशेषता है वह कि समस्या के प्रत्येक पहलू पर, मैंने जैसे आपको बताया कि जितनी भी बीमाएं संभव हैं किसी समस्या के, जितने भी पहलू संभव हैं किसी समस्या के, हर एक पर एक विशेषज्ञ प्रस्तुति होती है और इस प्रस्तुति का समय भी निर्धारित होता है 5 से 20 मिनट। ये 5 मिनट की हो सकती है, 7 मिनट की हो सकती है, 10 मिनट की हो सकती है, 15 की हो सकती है, अधिकतम 20 की हो सकती है, पर 20 मिनट से अधिक की प्रस्तुति सामान्य रूप से सिंपोजियम में नहीं होती। 20 मिनट में एक किसी भी एक विशेष पहलू पर काम करना, बोलना, बताना, प्रस्तुति देना पर्याप्त होता है, उतना ही पर्याप्त माना जाता है। तो जो प्रस्तुति होती है वो कोई भी 5 से 20 मिनट की सीमा के बीच में ही रहती है। एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब विशेषज्ञ की प्रस्तुति हो जाती है उसके उपरांत चर्चा होती है, श्रोता प्रश्न पूछते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और जो विशेषज्ञ है वो उन प्रश्नों के उत्तर देता है, जो भी चर्चा होती है उसमें भाग लेता है, जिससे कि जितने भी श्रोता हैं वो उस प्रस्तुति के बारे में, उस विशेषज्ञता के क्षेत्र के बारे में भली भांति
अवगत हो सकें, उनका जो ज्ञान है, जो अधिगम है, वो उस क्षेत्र विशेष में भली भांति आगे बढ़ सके, पूर्णतः उसको जानकारी हासिल हो सके। इसके अलावा इस जैसे चूंकि वो बहुत विस्तार से सारे पहलुओं पर चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से जो अधिगम करता है, जो श्रोता है, उसमें विस्तृत समझ का विकास होता है, काफ़ी विस्तार पूर्वक किसी प्रकरण को समझा जाता है, सीखा जाता है, जाना जाता है जी। और निश्चित रूप से जैसा कि इस प्रकरण के शुरुआत में ही बात हुई कि ये सृजनात्मकता का विकास करती है, ये विधि जो है सृजनशील बनाती है बच्चे को, क्रिएटिव बनाती है विद्यार्थी को। उसका कारण ये है कि इसमें जब आप सुनते हैं तो जो भी प्रस्तुति आप सुन रहे हैं तो आप साथ साथ संश्लेषण कर रहे हैं, आप साथ साथ मूल्यांकन कर रहे हैं, तो संश्लेषण और मूल्यांकन चूंकि लगातार चलता है इसलिए अपने आप सृजनात्मकता का विकास होता है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बहुत प्रभावी तरीके से आपने बताया कि सिंपोसियम क्या होता है और उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि सिंपोसियम के उद्देश्य क्या होते हैं। जी अखिलेश जी, जहाँ तक बात इसके उद्देश्यों की है, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि किसी समस्या के विभिन्न संभव पहलुओं की समझ विकसित करना। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न संभव पहलू से मेरा तात्पर्य है कि प्रत्येक समस्या, कोई भी समस्या हो हमारे जीवन में या हमारे पाठ्यक्रम में, तो आप जहाँ भी समस्या की बात करते हैं तो हर समस्या की कई बीमाएँ होती हैं। कोई भी समस्या आमतौर पर एक बीमीय नहीं होती, ये हमेशा बहुबीमीय होती है, इनके साथ कई सारी चीज़ें जुड़ती हैं। तो अब होता ये है कि अगर आप किसी समस्या को कुछ पहलुओं में ही सीमित करने की कोशिश करते हैं तो आपको उस समस्या का आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है, आप उस समस्या से पूरी तरह से परिचित उस प्रकरण से नहीं हो पाते हैं। तो ये जो सिंपोजियम की विधि है, इसमें हम पहले ही ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जितनी भी संभव पहलू हैं किसी समस्या के, किसी प्रकरण के, जितनी भी संभव बीमाएँ हैं किसी समस्या के, किसी पहलू के, तो उसको जो है हम उसमें टेकअप करते हैं, उसको हम लेते हैं और उस पर प्रस्तुति दी जाती है। तो प्रत्येक पहलू के बारे में विस्तार से चर्चा होती है और प्रत्येक पहलू के बारे में विस्तार से समझ विकसित होती है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है कि किसी समस्या से संबंधित निर्णय लेना। बात जब समस्या या प्रकरण जो हम चुनते हैं तो जब जब चर्चा होती है विशेषज्ञों द्वारा, तो जब सारी चर्चाएं, हर चर्चा के दौरान आप कुछ निर्णयों पर पहुंचते रहते हैं क्योंकि आप संश्लेषण और मूल्यांकन साथ साथ चलाते हैं, तो आप हर समस्या के साथ कुछ निर्णयों पर पहुंचते रहते हैं। और ये जो निर्णय हैं, जब पूरी आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है सिंपोजियम की, तब आप कई सारे निर्णय इकट्ठे आप ले लेते हैं। तो इस तरीका से ये उस समस्या से संबंधित विभिन्न निर्णय लेने में आपको योग्य बनाती है। जो भी उसका अधिगम करता होता है, जो भी उसका पार्टिसिपेंट होता है, जो भी प्रतिभागी होता है, उसको कई सारे निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। एक और चीज़ इसमें होती है इसके उद्देश्यों में कि ये जो भी समस्या या प्रकरण है उसके प्रति मूल्य या भावनाएं विकसित करता है। अब आप देखें कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई समस्या या तो नवीन है या उतनी नवीन नहीं भी है, तो होता ये है कि आप उस समस्या या उस प्रकरण के बारे में कोई खास आपका अटैचमेंट नहीं होता, कोई आपका लगाव भावनात्मक नहीं होता जी। लेकिन जब आप किसी उस सिंपोजियम में उसी समस्या को लेकर के एक दिन बैठते हैं, विशेषज्ञों की बात सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और एक बात और है, जब आप किसी चीज़ को जानते हैं तो आप जुड़ते हैं जी। तो ये जानना जुड़ना साथ चलता है। तो जैसे आप ज़्यादा जान जाते हैं उस चीज़ के बारे में तो आप जुड़ जाते हैं। जुड़ने से मतलब कि आपके मूल्य और भावनाएं उस समस्या या प्रकरण के प्रति विकसित हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये सिंपोजियम है ये किसी समस्या या प्रकरण के प्रति मूल्य या भावनाएं भी विकसित करता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका ये है कि ये श्रोताओं को किसी समस्या के प्रति नीति निर्धारण के योग्य बनाता है। ये जो हमारा सिंपोजियम है, सिंपोजियम में आपने समस्या के सारे पहलू समझ लिए, जान लिए, तो उसके संबंधित आप निर्णय ले लेते हैं। जब आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं तो उससे संबंधित अगर कोई नीति निर्धारण करना है, पॉलिसी मेकिंग करनी है, तो आप उसके लिए योग्य होते हैं। आप उस समस्या पर इतने विशद ज्ञान रखते हैं, इतना विशद जानकारी रखते हैं कि आप उस समस्या के प्रति नीति निर्धारित करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके
इन उद्देश्यों तक ही ये सीमित नहीं है, इसके और भी उद्देश्य संभव हो सकते हैं, होते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रमुख उद्देश्य यही हैं। बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर असफाल की सिंपोसियम के उद्देश्य क्या क्या हैं, जिसमें उद्देश्यों में जो प्रमुख हैं जो मैं समझ पाया वो ये हैं कि समस्या समाधान के लिए आयोजित किया जाता है और समस्या के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ इसीलिए उसमें बुलाए जाते हैं। जी, आगे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सिंपोसियम विधि के लाभ और इसकी सीमाएं क्या हैं। जी अखिलेश जी, जहाँ तक इसके लाभ की बात है, लाभ बहुत सारे हैं जो आप अब तक की जो चर्चा है उससे आप समझ भी सकते हैं। सबसे पहली बात तो वही है कि सेमिनार की तरह ही ये विधि भी उच्च भावात्मक लक्ष्यों को और उच्च ज्ञानात्मक लक्ष्यों को बहुत प्रभावी तरीके से प्राप्त कराती है। आपके जो भी अधिगम से संबंधित जो उच्च भावात्मक और उच्च ज्ञानात्मक लक्ष्य हैं वो बहुत आसानी से इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस चूँकि बहुत हर पहलू पर चर्चा होती है, हर पहलू पर बात होती है, हर पहलू डिस्कस किया जाता है, तो बहुत विस्तृत समझ का विकास होता है इस विधि के द्वारा। और तीसरा यह है कि सृजनात्मकता का विकास करती है, क्योंकि आप लगातार संश्लेषण विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं इस प्रक्रिया के दौरान, इस विधि के दौरान, तो ये आपकी सृजनशीलता को बढ़ावा देती है, उसको विकास करती है। एक और चीज़ है, जैसे सेमिनार में वैसे यहाँ भी आप प्रश्न पूछते हैं जी। और चूंकि प्रश्न पूछते हैं तो आपके प्रश्न कौशलों का विकास होता है, होता है। प्रश्न पूछने की आपकी योग्यता जो है वो विकसित होती है, संवरती है, सुधरती है जी। साथ ही साथ ये पहले भी मैंने जिक्र किया था कि ये उच्च शिक्षा है तो अत्यंत लाभदायक विधि है। उच्च शिक्षा के स्तर पर हमारे उच्च भावात्मक और ज्ञानात्मक लक्ष्य होते हैं, तो निश्चित रूप से उच्च भावात्मक और ज्ञानात्मक लक्ष्यों के लिए ये विधि बहुत प्रभावी मानी जाती है। इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर पर ये बहुत ही लाभदायक विधि मानी जाती है। जहाँ तक सीमाओं की बात है, इसमें कुछ विशिष्ट सीमाएँ हैं इस विधि की, जिसमें सबसे प्रमुख ये है जी कि कई बार आपको समस्या के हर पहलू पर विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो पाते। हाँ, ये एक शायद इसमें समस्या होगी कि कोई भी समस्या है, कई सारी समस्याएं ऐसी हैं जी जिसके हर पॉसिबल पहलुओं पे जी विशेषज्ञ ढूंढना अपने आप में एक बहुत बड़ा कठिन काम है, बहुत बड़ा कठिन काम है। हालांकि मैं असंभव शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहूंगा, लेकिन ये लगभग नामुमकिन जैसी स्थिति कई बार हो जाती है कि आप हर प्रकरण, इसीलिए प्रकरण चुनने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है सिंपोजियम में कि आप ऐसा ही प्रकरण चुने कि जिसमें आपके विशेषज्ञ उपलब्ध हों, ऐसा प्रकरण ना चुन लें कि आपको विशेषज्ञ ही ना ढूंढ मिले। तो प्रकरण चयन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसकी एक बड़ी सीमा है कि हर प्रकरण से संबंधित, हर बीमा से संबंधित विशेषज्ञ खोजना एक कठिन काम है, कि चुनौती है, वो कई बार अनुपलब्ध होते हैं। फिर भाषागत सीमाएं भी होती हैं कि आप मान लीजिए हिंदी भाषा में विशेषज्ञ ढूंढ रहे हैं, अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में नहीं उपलब्ध है, या आप अंग्रेजी में ढूंढ रहे हैं, हिंदी में उपलब्ध है, या किसी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है, तो वो एक दिक्कत आती है, भाषा की दिक्कत आती है, तो वो उसकी वजह से भी विशेषज्ञों की और अनुपलब्धता बढ़ जाती है। साथ ही एक और इसकी कमी बड़ी ये है कि यह समय और संसाधनों का कई बार अपव्यय सिद्ध होती है जी। आपने बड़े बढ़िया तरीके से सिंपोजियम आयोजित किया, बड़े अच्छे से विशेषज्ञ भी बुलाए, पर विशेषज्ञों की वजह से कह लीजिए, या प्रकरण में जो प्रतिभागी हैं, जो श्रोता हैं, उनकी रुचि ना होने के कारण कह लीजिए, या किसी भी अन्य कारण से ऐसा कई बार हो जाता है कि आपने तो पूरा सिंपोजियम आयोजित कराया पर जो लक्ष्य था अधिगम का वो प्राप्त नहीं हो सका। तो अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आपके समय और संसाधनों का ये अपव्यय सिद्ध हो जाती है जी। और तीसरी सीमा इसकी एक और, मैंने दो तीन बार इस बात पर बल दिया कि ये उच्च शिक्षा के स्तर पर तो बहुत लाभकारी जी, लेकिन सेमिनार की ही तरह माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर इसकी उतनी उपयुक्तता नहीं है, उतना ये प्रभावी नहीं है। यद्यपि वही बात फिर मैं दोहराऊंगा कि जैसे सेमिनार के समय में हम और आप चर्चा कर रहे थे कि नवीन अनुभव के लिए, एक नई विधि से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए, आप एक या दो बार किसी अच्छे सही उचित प्रकरण की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए देखते हुए आप इसका आयोजन कर सकते हैं। सीमित उपयोग इसका संभव है, सीमित उपयोग संभव जी है। लेकिन सीमित ही उपयोग संभव है बिल्कुल, क्योंकि इसमें हाँ। एक और जो मुझे समस्या दिख रही है डॉक्टर साहब, वो ये दिख रही है कि
इसमें सारे के सारे आपको विशेषज्ञ बुलाने हैं। जी जी, एक ही समस्या के अलग अलग पहलुओं के विशेषज्ञ। जी जी, और अगर प्राथमिक स्तर की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें जी, तो ऐसा कोई समस्या जिसको कि हम ब्रेक करें और उसके अलग अलग विशेषज्ञ हों, चूंकि उनके पास विशेषज्ञता नहीं होती है, वो तो अभी लर्निंग पीरियड में है जी। तो प्राथमिक, बीच में टोकने के लिए प्लीज प्लीज क्षमा प्रार्थी हूँ अखिलेश जी। होता क्या है ना, प्राथमिक स्तर पर जो प्रकरण होते हैं वो हम आप सब जानते हैं कि वो साधारण संप्रत्यय होते हैं जिनको हमें विद्यार्थियों तक पहुँचाना होता है। अब अगर हम उसके विस्तार में जाते हैं और जो ये विधि सेमिनार या सिंपोजियम की जो विधियाँ हैं ये विस्तार में जाती हैं, तो चूँकि विस्तारवादी विधियाँ हैं, किसी भी प्रकरण के पूरे विस्तार से अध्ययन के प्रेरित करती हैं, और हमें पता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे वो हम किसी प्रकरण में विद्वान नहीं बना नहीं, सकते नहीं, नहीं, नहीं। वो उसकी उस सीमाएं हैं हाँ। बच्चे की, तो निश्चित रूप से हम प्राथमिक स्तर पर इन विधियों का बहुत सीमित ही उपयोग हाँ, कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेमिनार से भी थोड़ा कम उपयोगिता ही होगी सिंपोजियम। जी बिल्कुल सही है, सेमिनार से बिल्कुल सेमिनार से काफी, हालांकि प्राथमिक स्तर पर विशेषज्ञता की स्थिति उतनी बात ही नहीं दुर्लभ नहीं है, क्योंकि जो हमको अब जोड़ना पढ़ाना है बच्चे को या घटाना पढ़ाना है बच्चे को, तो जोड़ने घटाने के विशेषज्ञ तो आप कई सारे ढूंढ सकते हैं। आप मोहल्ले में ढूंढ, जिस स्कूल जिस मोहल्ले में है विद्यालय आपका, उस मोहल्ले में ही 4-6 मिल जाएंगे जोड़। लेकिन बात वो विशेषज्ञता की कम रह जाती है, बात ये हो जाती है कि आप उसका विस्तार से जो पढ़ाने का काम है वो लक्ष्य आपका होता नहीं है, प्राथमिक पूरा नहीं हो तो पा रहा वो लक्ष्य ही नहीं है हमारे प्राथमिक शिक्षा में, वो लक्ष्य है ही नहीं कि विस्तार से चीज को बताया जाए। तो चूंकि विस्तार से बताने का लक्ष्य नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी जो विधि है ये उतनी प्रभावी, उतनी लाभदायक, उतनी शिक्षा के स्तर पर यूजफुल नहीं है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर। और वही हाल माध्यमिक स्तर पर भी है, माध्यमिक स्तर पर भी प्राथमिक से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन काफ़ी कम है। इसके अलावा एक और इसकी सीमा है विधि की कि ये प्रत्येक विषय या प्रकरण है तो संभव नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, समय की भी सीमाएं हैं, संसाधनों की भी सीमाएं हैं, तो प्रत्येक विषय या प्रकरण के लिए आप इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है, ये चूँकि बहुत ज़्यादा ज्ञान से ज्यादा लदी हुई विधि है, क्योंकि विशेषज्ञ की प्रस्तुतियां होती हैं और सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, तो ये कई बार बड़ी बोझिल हो जाती है, कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है। तो ये उस बोझिलता इस विधि की एक बड़ी सीमा है, बड़ी कमी है, जिसके लिए जो आयोजक है उनको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं कि बोझिलता से मुक्ति पा रहे हैं। और उसके लिए विशेषज्ञों का भी बड़ी भूमिका होती है कि वो अपनी प्रस्तुतियों को इस तरह से तैयार करें ताकि वो बोझिल ना हो, बोझिल या बोरिंग ना हो। साथ ही एक और बड़ी सीमा इस विधि की होती है कि दोहराव हो जाता है। अच्छा, रिपीटिशन के तो रिपीटिशन होता है। कारण क्या होता है कि हमने तो क्या किया, अपनी समस्या के हमने मान लीजिए 5 विमाएँ ढूंढी कि भाई एक ये विमा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 विमाएँ हमने ढूंढ ली। अब हमने 5 विमाओं के अलग अलग विशेषज्ञ बुला लिए, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि जो विशेषज्ञ आ रहा है उसे तो नहीं पता कि दूसरी बीमा का विशेषज्ञ भी कोई है हाँ। तो वो क्या करते हैं कि वो इन टोटलिटी में संपूर्णता में उस पूरी समस्या को उठा लेते हैं और उस तरह से वो चीज़ों का दोहराव होने लगता है। तो वो जो दोहराव है वो एक इसकी बड़ी सीमा है, उससे उसे फिर बोझिल होता है, उसे बोरिंग होता है। एक ही चीज़ को अगर 4 लोग बार बार बताएंगे तो वो हम में से कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा, तो सामान्य से सामान्य छोटे से छोटा बच्चा भी उस चीज़ से उबेगा। तो वो एक बड़ी सीमा है कि इसमें दोहराव हो जाता है। साथ ही साथ एक और इसकी सीमा है कि प्रस्तुतियों के दौरान श्रोता निष्क्रिय रहते हैं जी, पैसिव लर्निंग है जी। तो आप पैसिविटी, हम सब उसको दूर करने की, हमारे शिक्षण की जो भी विधियां हैं जिनमें पैसिविटी इन्वॉल्व है, जिनमें निष्क्रियता श्रोता की सम्मिलित है, हम कहते हैं कि वो विधियां उतनी अच्छी नहीं होती। जब तक कि श्रोता सक्रिय रूप से अधिगम में भागीदारी न करता हो, हम उस विधि को बहुत अच्छी नहीं मानते। तो उस दृष्टि से भी सिंपोजियम की सीमा है कि इसमें एक निश्चित मात्रा में श्रोता की निष्क्रियता जो है वो निहित है, वो होनी ही होनी है जी। इसके अलावा एक और इसकी कमी है, आप सिंपोजियम की जब भी आयोजन करते हैं तो ये तो है कि विभिन्न विभिन्न बीमाओं पर विभिन्न विभिन्न विशेषज्ञ अपनी विभिन्न विभिन्न प्रस्तुतियाँ देते हैं, लेकिन संक्षेपण की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको समराइज करने की कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। होना ये चाहिए था कि एक बार सारी हो जाएं, उसके बाद एक बार
समराइज करने के लिए, तो पर उसके समराइज करने के लिए तो सारी विधिमाओं को विशेषज्ञ चाहिए होगा, तो वो एक बड़ी चुनौती है, तो इसलिए शायद वो रखा नहीं गया है, पर वो विधि की एक कमी है, एक सीमा है कि इसमें संक्षेपण समराइज करने का काम नहीं होता है। और एक बात हम कहते हैं कि सिंपोजियम के माध्यम से उच्च ज्ञानात्मक और उच्च भावात्मक लक्ष्य प्राप्त होते हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि उच्च ज्ञानात्मक लक्ष्य तो प्राप्त हो जाते हैं पर उच्च भावात्मक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाते, प्राप्त होने में बहुत दिक्कतें आती हैं। वजह वही है जो मैंने आपसे बताया कि चूंकि बोझिल हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, डाइवर्सिटी बहुत सारा दोहराव हो जाता है, तो इन सब चीजों को लेकर के कई बार उल्टे नतीजे मिलते हैं कि होना लगाव विकसित चाहिए था पर वो दुराव विकसित जाता है। तो ये एक इस विधि की सीमा, बड़ी सीमा है कि भावात्मक लक्ष्यों को ये क्लेम करती है, ये विधि कहती है कि इसके जो भी प्रोपोनेंट्स हैं जो इसको आगे बढ़ाते हैं वो सब कहते हैं कि ये उच्च भावात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है, पर वास्तविकता में कई बार इसका उल्टा पाया गया है। तो ये इसकी कुछ सीमाएँ हैं। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि चाहे जितनी इसकी सीमाएँ हों और फिर भी प्राथमिक कक्षाओं है तो ये बिल्कुल उपयुक्त ना हो, पर फिर भी इसको नवीनता की दृष्टि से, अवसरों की दृष्टि से, एक नए अनुभव की दृष्टि से सीमित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर यशपाल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज हमने चर्चा की कि बच्चों में प्राथमिक स्तर पर रचनात्मकता के विकास के लिए सिंपोसियम का आयोजन करना, उसका महत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, सिंपोसियम क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसकी क्या लाभ हैं और उसकी क्या सीमाएं हैं। तो हमारे स्टूडियो में आने और सिंपोसियम जैसे गूढ़ विषय पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर यशपाल का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।